दूसरों के दर्द का एहसास का नाम रोजा है असं मनोगत मौलाना हाफिज इम्रान यांनी व्यक्त केला आहे. रमजानच्या पार्श्वभूमीवर इन मेट्रो न्यूज चॅनलशी ते बोलत होते. रमजानचा अतिशय पवित्र असा हा महिना सर्वांसाठीच एक मौल्यवान संदेशजनक असतो अशी भावना मौलाना हाफिज इम्रान यांनी मांडली आहे. दुसऱ्याचं दुःख समजून घेणं, संवेदना आणि वेदना जाणून घेत परस्परांना आधार देणं अशी या रमजानची महती आहे असंही ते म्हणालेत. मौलाना हाफिज रमजान यांनी कुराण आणि माणुसकीची सांगड घालत सविस्तर विवेचन केलंय. माणसांनी सहृदयता जोपासावी हा महान संदेश आचरणात आणल्यास राष्ट्रीय एकात्मता अधिक वृद्धिंगत होईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. रमजानच्या पवित्र महिन्यात एकमेकांमध्ये स्नेहभाव, प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा जोपासावा, यामध्ये मानव जीवनाचं सार्थक आहे असंही मौलाना हाफिज इम्रान म्हणालेत. असल में रमजान मुबारक है, जो पवित्र महिना है, इसमें होता क्या और करना क्या चाहिए हमें जानना बहुत जरूरी है. कुरान पाक में जो सबसे पहली किताब है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उतारी गई कुरान पाक, उसकी आयत नंबर 183 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले फ़र्ज कर दिए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ. असल में रोज़े का कॉन्सेप्ट जो है हर समाज में, हर मज़हब के नज़दीक अलग अलग तरीके से है, लेकिन जब बात आती इस्लाम की और माह रमज़ान के रोज़ों की तो लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है. हिंदू मज़ाहिब के लोग भी हमारे भाई रोज़ा रखते हैं, क्रिश्चन समुदाय के अंदर भी रोज़ा रखा जाता है, लेकिन तरीके अलग हैं. जैसे हमारी इबादतें अलग, वैसा रोज़ा रखने का ढंग और तरीका भी अलग. लेकिन ख़ासकर रमज़ान के महीने के अंदर सब लोग इस रोज़े को इस वजह से ज़्यादातर तवज्जो के साथ देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक पूरे 12 घंटे 14 घंटे जितना भी वक्त होता है रोज़े का, उसके अंदर ना पानी पी सकते हैं ना उसे निगल सकते हैं. इसलिए लोगों की सोच बढ़ जाती है कि रोज़ा ऐसा कैसे हो सकता है. असल में सौम का मतलब, सौम जो है एक अरबी वर्ड है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ से रुक जाना. यानी बाकी दिनों में हम लोग पानी पी सकते हैं, ईश्वर ने, अल्लाह ने कह दिया कि आपको पानी अब नहीं पीना, इसलिए कि मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो या नहीं हो. इसके लिए अब सामने पानी रहकर भी बंदा अगर नहीं पी रहा तो ये बताता है कि ईश्वर, ए खुदा, ए अल्लाह, हम तेरे बोलने के मुताबिक हम रोज़ा रख रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसको तूने मना किया है. तो एक ख़ास कर एक चीज़ ये है कि रोज़ा एक चीज़ सबसे बड़ी जो सिखाता है इंसानियत को, वो ये कि भूख और प्यास का दूसरों का एहसास होना. हम पूरी ज़िंदगी खाते पीते हैं, लेकिन कभी फूट पाट पर जो रास्ते पर बैठे हुए गरीब लोग रहते हैं उनकी भूख का एहसास मुझे और आपको हो ही नहीं सकता. और इसलिए नहीं होता, इसलिए कि हमने कभी भूख और प्यास को बर्दाश्त ही नहीं किया है. लेकिन जब बंदा रोज़ा रखता है तो उसमें एहसास पैदा होता है कि भूखा रहना होता क्या है. और जो साल भर बगैर छत के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिनको एक वक्त का खाना मुयस्सर मिलता नहीं है, वो लोगों की हालत क्या, ये एहसास पैदा करने के लिए रोज़ा है. इंसानियत का दर्स देता है रोज़ा. और बहुत सारे, मैं खासकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से कहूंगा कि रोज़ा सब लोग रखते हैं, आप भी रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूं, लेकिन अगर वो एहसास लेकर हम लोग आगे नहीं चल पाते तो ना हम तरक्की कर सकते हैं, ना हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, ना हमारे देश के अंदर से गरीबी गुर्बत दूर हो सकती है. अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को इस रोज़े के माध्यम से आगे ले जाए, हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंसानियत का एक दूसरे की भूख का एहसास रखे. और हमेशा अपनी ज़ात से जब भी तुम आधी रोटी भी कमाओ उसमें से पौ रोटी में दूसरों को हिस्सेदार बनाओ, फिर देखो ये रोज़ा तुम्हारी ज़िंदगियों में कैसे रंग लाता है. तो रोज़े का मतलब असल में किसी चीज़ से रुक जाना, बुराइयों से रुक जाना, हर अहिंसावादी जो सोच है उससे रुक जाना, अपने अंदर एक अवेयरनेस पैदा करो जो आपको ईश्वर के करीब, अल्लाह के करीब करती है. जब तक वो नहीं होगा आपको रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं. तो इसीलिए आज भी अगर मुसलमान बहुत सारे रोज़ा भी रख रहे हैं तो उसका हासिल इसलिए नहीं हो रहा कि बाकी दिन में रमज़ान ख़त्म हो गया, फिर कोई जुआ खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, अलग अलग ढंग से गुनाह कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा नहीं होता. इसलिए कि वो रोज़ा जो पैदा करने आया था तुम्हारे और मेरे अंदर, वो हम लोग कर ही नहीं पा रहे. तो इसलिए रोज़े को रोज़ा समझ कर नहीं, बल्कि रोज़े को अल्लाह का एक तोहफा समझ कर करें, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हमारे और आपकी ज़िंदगियों में होगी. आखिर में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो हालात चल रहे हैं मुल्क भर में, उसके लिए मैं ख़ास कहूँगा कि हर एक समाज, हर एक धर्म, हर एक मज़हब, हर एक ज़ात
सब ये चीजें बाद में होती हैं। सबसे पहला जो है ना, एक इंसान जब तक कोई बनता नहीं तब तक उसे कोई धर्म मायने नहीं रखता, जब तक तुम इंसान नहीं बनते। इसीलिए शायर ने लिखा है, हवेली झोपड़े सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़े सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ करो ये रिश्ता रहे यूं ही कायम, दुआ करो ये रिश्ता रहे यूं ही कायम, अगर ये साथ छूट जाएगा तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। तो इसीलिए मेरी सभी देशवासियों से अपील है, गुजारिश है कि एक इंसान बनकर जिंदगी गुजारे, अपने मुल्क को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए हर एक कम्युनिटी को इसके लिए कोशिशें करनी पड़ेगी। और जब तक हम आपस में भाईचारे को बरकरार नहीं रखते, ना हम तरक्की कर सकते ना हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारी मुल्क की उन्नति के लिए सब मजहब को बाजू में रखकर पहले आप एक इंसान बनकर अपने मुल्क के लिए सोचने वाले बन जाओ।